अक्सर लोग इन चीजों को पाक है उन्होंने ये आदत नहीं ते कई अक्सर ऐसे लोग भी हैं जिन्हें काम नहीं हुए भाई इतना गाल करनी है तो उसका बही करनी है उतना करनी है तो उतना बही करनी है मकसद भाई लोगों सारी निभार हसत दीमारियों मुबतला रखना है मकदारियों के मुबतला रखना है मुनाफत के मुबतला रखना है नवा साल है मैं दो चार रुपये दाल ही करूँ मत कोई अमल थी हो मत कोई नवे साल की इब्तदाद अहद च करूँ भाई यार अल्लाह करे अज तो बाद असा नवे साल की इब्तदा है जुमे की दिहाड़ है चंगी दिहाड़ है अलहमदुल्ला मैं दुआ की थी रात की नमाज इशा पढ़ के ते हुण भी दुआ करी ना भाई अल्लाह करे अज वाली दिहाड़ के सदके सारा साल यका चंगा गुजर बंदे पिछले साल के बड़े खसारे अमीर अल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के शेर जवान 2020 खेल की गई है शेख उल हदीस बद तफसीर अलामा ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह बैग तुसन नेट दी दुनिया दे उते देखो जग्गल उलमा बड़े बड़े अच्छे उलमा पीर सैयद करामत अली शाह साहिब पीर सैयद मराताब अली शाह साहिब बड़िया बड़िया जग्गल हस्तियां 2020 दे विच चलियां गई हैं और वल 2020 दे अंदर कोरोना वायरस ने मुल्क दा आलम दुनिया दा सत्यानाश कीता है कितने बड़े नुकसान हैं अल्लाह करे ये बीमारी भी अजल दिहार के सदके दूर थी वंगे अगर कोई बेरोजगार है अल्लाह उनके रोजगार को आसान च करे पिछले साल महंगाई का भी अरूज नहीं था वे दुआ करते हैं भाई इस साल अल्लाह करे महंगाई तले थी वंगे ते हर बंदे का खुशहाल घराना भी चले मेरे करीम नबी दे गुलामों कामयाब लोगों दी मैं निशानियां दसी हैं एक दो गल करके इंशाल्लाह गल नूं वेंड अप करी ने मेरे मालिक ने कुरान में फरमाया कद अफलाह मन तज़क्का वज़ाका रस्म रब्बिही फसल्ला तहकीक वो बंदा कामयाब है जेड़े बंदे अपने आप नु पाक रखे जेड़े बंदे अपने आप नु साफ रखे वज़ाका रस्म रब्बिही फसल्ला जिस बंदे ने जिक्र कीते इतन जिक्र तो मुराद केड़ी शे है इतन जिक्र तो मुराद जिक्र खुदा है या वल जिक्र मुस्तफा है यानी चंगा जिक्र अच्छा जिक्र और जेड़े बंदे अपने आप को उलमा फरमाए ना वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वो बंदे अच्छे अमल वाले जिन्हें अपनी रात जिक्र खुदा के अंदर गुजारी जिन्हें अपना दिन जिक्र खुदा के अंदर गुजारे करीम नबी के गुलामों इस आयत पाक के अंदर भी जिक्र तो मुराद जिक्र खुदा है यानी जिक्र खुदा भी करो जिक्र मुस्तफा भी करो जिक्र जड़े वेले करे सो बल तुसा कामयाब ही बल तुसा पाक ही और तीजी कही चीज मेरे हजूर के गुलामों अल्लाह कुरान ने फरमाया वज़ाका रस्म रब्बिही फसल्ला बंदे का हक बनते बंदा नमाज नहीं पढ़े बंदा नमाज नहीं पढ़े यानी अपने आप को पाक रखे अपने आप को साफ रखे साफ रखने के बाद जिक्र करे क्योंकि अल्लाह करीम ने साडा सुकून ही अपने जिक्र के अंदर रखे असा तो समझे ना फेसबुक के उत्ते जो बंदा 24 घंटे रहे वह सुकून के असा तो समझे ना भाई जरा दुनियादारी के शुगलों के मसरूफ रहे वह बंदा सुकून दे विच रहंदा है लेकिन मेरे मालिक ने फरमाया मैं तेरा सुकून अपने जिक्र दे अंदर रखे अला बिज़िक्रिल्लाहि तुतमइन्नुल कुलूब जड़े वेले तू मैदा जिक्र करे से ना मेरी इबादत करे से वद तू सुकून दे विच हो से साडा तेरा सुकून दुनिया दी फहाशी दुनिया दी अयाशी सोशल मीडिया दा ना नहीं बल्कि साडा तेरा सुकून अल्लाह दे जिक्र दे विच है अल्लाह दा बंदा जिक्र करे बंदा सुकून दे विच होंदा है घर च कोई परेशानी होवे ना परेशानी अल्लाह दा जिक्र कीता करो अल्लाह के जिक्र करने नाल परेशानी दूर थी वेंदी अगर औलाद ना फरमान है ना औलाद ना फरमान थी भी वेंदी रोज तू सदे दे रहा देवे आजकल के सोशल मीडिया के उत्ते भी दे देवे घर दे विच भी दे देवे भाई औलाद वालिदैन की कदर नहीं करेंगी औलाद ना फरमान है वालिदैन नाल अच्छा सलूक नहीं करेंगी तो उस वालिद वास्ते एक नुस्खा है वो वालिद अल्लाह का जिक्र करे जेड़े वेले बाबा अल्लाह का जिक्र करे सी ना अल्लाह के जिक्र तू को भी सुकून मिलसी औलाद भी उनकी ताबेदार बन सी औलाद भी उनकी फरमा बरदार बन
अगर औलाद के नाल वालिदैन का अच्छा सलूक नहीं ते वालिदैन के नाल औलाद का अच्छा सलूक नहीं इन दोहां दे विच एक बाय दे नाल सलूक नहीं तो इन दोहां वास्ते कि अल्लाह का जिक्र करे जेड़े वेले बंदा अल्लाह का जिक्र करे मालिक दा बंदे नूं कुरब नसीब थींदे कितना कुरब मेरे करीम नबी दे गुलामो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह बंदा अल्लाह दी जो इबादत करे कितनी इबादत करनी चाहिए कितना जिक्र करना चाहिए मेरे मालिक के प्यारे महबूब ने फरमाया सहाबा दो रकात नमाज पढ़ो दो रकात नमाज पढ़ो खलूस नीयत वाली पढ़ो आजजी वाली पढ़ो इनके सारी वाली पढ़ो खुशू व खुजू वाली पढ़ो दो रकात नमाज नफली अगर तुम खुशू व खुजू ते आजजी वाली कीती है ना तो हमारे वास्ते जन्नत या जहन्नम का फैसला करनी सी सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जन्नत ते जहन्नम दा कीने फैसला करे सी मेरे करीम नबी फरमाया अगर तुम्हारी नमाज दे अंदर आजजी है तुम्हारे सजदे दे अंदर आजजी है तुम्हारी नमाज खुशू व खुजू वाली है मोहब्बत वाली है इनके सारी वाली है आजजी वाली है तवाल वो नमाज वाले वास्ते जन्नत बन सी जो अगर तुम्हारी नमाज लोगों दे दिखावे वास्ते है वक को रियाकारी है वक को इबादत कबूल नहीं वक को इबादत कबूल नहीं तो तुम्हारे वास्ते उहा नमाज जहन्नम बन गई सी उहा नमाज जहन्नम बन गई सी यानी अल्लाह का कुरान ऐलान किया करी दे बंदा वो कामयाब है जरा अपने आप को साफ रखे अंदरों भी साफ रखे ते बाहरों भी साफ रखे अपने आप को कुछ बंदे माशाल्लाह बाहर दे बड़े साफ होंगे लेकिन अंदर दे बड़े मैले होंगे इवें है कि नहीं वो बंदे बड़े भेड़े होंगे बंदा वो चंगा होंगे जरा अंदरों भी चंगा हो बाहरों भी चंगा हो जैसे तन के नाल भी कई बंदे तकलीफ ना हो जुबान के नाल भी कई बंदे तकलीफ ना हो जिसम के नाल भी कई बंदे तकलीफ ना हो बाद बंदे ऐसे आवे ने कि माशाल्लाह उन्हों का जहर तो बड़ा पाक है जहर तो उन्हों का बड़ा अच्छा है जहर तो उन्हों का बड़ा साफ है लेकिन मन के विच उन्हों का बोझ हसद मकारी कीना ये बीमारियां खड़ी हैं अल्लाह करे मैं अता जे नवा साल है सारिया बीमारियां दूर थी वन अगर अस अम्मा वास्ते कोई मैल रखिए दूर थी वे अगर कोई बाबे वास्ते साडे मन च मैल है अल्लाह करे ये दूर थी वे अगर कोई भेरावां वास्ते रिश्तेदारां वास्ते अजीज अकारे वास्ते मैं दुआ करी ना अल्लाह करे ये सारिया बीमारियां दूर थी वे सारी जिंदगी खुशहाल थी वे क्योंकि खून अपने पतले हो गए खून अपने पतले हो गए अज तुसा जिथे मुआशरे दे विच भेरा को भेरा की गल भी चंगी नहीं लगती प्यू को पुत्र की गल चंगी नहीं लगती पुत्र को प्यू की गल चंगी नहीं लगती मुआशरे दे विच ऐसी बदअबनी है हुजूर की उम्मत का जिहड़ा खून है ना ये पानी तो भी सस्ता थी गई है बेटियां की इज्जत महफूज कोई नहीं माँ की इज्जत महफूज कोई नहीं हया की जी चादर अम्मा के माँ के भैन पावनी आई वो चादर जमीन के उत्ते लै गई है हजूर की उम्मत का खून जड़ा है ना वो पानी को सस्ता पिया बिकता है माशरा बद अपनी का शिकार है अल्लाह करे ये सारिया बीमारियां दूर दी के इस साल के पूरा साल अल्लाह सब हजूर की गुलामी करने की तौफीक अता फरमावे कदा का रस्मा रब ही मसल्ला अल्लाह सब सोने सोने जिक्र करने की भी तौफीक अता फरमावे अल्लाह सब नमाज के नाल भी प्यार अता फरमावे नमाज के नाल नमाज मोमिन की मेराज है नमाज दीन का सतून है नमाज जन्नत की कुंजी है अल्लाह करे ई साल 2021 का पहला जुम्मा है अल्लाह करे हर जुम्मा मस्जिद पढ़ो जुम्मा कोई ना भी नहीं थी चंगिया दुआ ना मैं दुआ बड़ा करी ना मिंबर रसूल के उते तो आमीन चाको हुजूर फरमाया 40 बंदा इकट्ठा दिए ना 40 ते 40 बंदा दुआ जा करे अल्लाह मोमिन की दुआ को रद्द ही नहीं करेगा असद माशाल्लाह ढेर सारे आए बैठे हैं दुआ करी ना अल्लाह करे इस महफिल च कोई बीमार है तो अल्लाह सेहत अता फरमावे साडे महल्ले दे अंदर आसू पासू जेड़े भी कुर्ब जवार दे अंदर मरीज इन बीमार इन बे औलाद इन हाजत मंद इन कर्ज च मुब्तला है अल्लाह सब दियां परेशानियां अल्लाह सब दियां मुसीबतां अपने महबूब दे सदके दूर फरमावे अल्लाह करे अज अली दी वार तो पूरा आवण वाला साल सारा अच्छा गुजरे 2021 दा पहला जुम्मा है अल्लाह की दी इब्तिदा भी चंगी है अल्लाह महबूब दे सदके ना सारियां बीमारियां तो सबको दूर फरमा के खुशहाल फरमावे वा आखिर दावाया अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुन्नत पर मिल पड़े